हाई गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल सो गाइज दिस इज़ डे फोर मेकअप लुक ऑफ दिस नवरात्रि सीरीज़ एंड आई रियली होप आप लोग को ये वाला मेकअप लुक पसंद आएगा बिकॉज ये बहुत एलिगेंट है एंड बेसिकली यहाँ पर मैंने एक सूट वेयर कराया तो आप सूट में ये वाला वेयर कर सकते हो ये वाला मेकअप लुक एंड बहुत ज़्यादा ही ईजी है थोड़ा सा मैंने मतलब कलर्स में बदला सबका मेरा पिंक थोड़ा सा पिंक और डार्क फ्यूशिया कलर का सूट था तो मैंने उस हिसाब से मेकअप लुक कराया सो लेट्स गेट स्टार्ट है आप लोग को पसंद आएगा ओके सबसे पहले वाइज मैं अपने ना लिप्स को हाईडेट कर दूँगी बिकॉज मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ट हो रहे थे तो अपना लिप्स को अच्छा हाइड्रेट कर लें सो so, मैंने यहाँ पे यूज़ करा था सिलगोल का लिप ऑयल नेक्स्ट मैं अपने फेस को प्राइम करने के लिए मैं पे यूज़ करूँगी शुगर का दिस इज़ द प्राइमर एंड वॉज मिनिमाइजिंग प्राइमर है सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है आज इसे मसाज कर लूँगी बिकॉज प्राइमर वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड जो आपका स्किन टाइप है उस हिसाब से आपको यूज़ करना है मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे दिस इज़ द एनवाईबे का मैंने यूज़ करा था कंसीलर सो मैंने ना बिल्कुल अपने थोड़ा सा अपने स्किन से थोड़ा डार्क शेड यूज़ करा था बिकॉज जिसको मैंने अपने पैचेस मुझे हाइट करने थे जहाँ पे मुझे एक्ने मार्क्स है तो वाला कंसीलर यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे कोई भी फाउंडेशन यूज नहीं कर रही हूँ बिल विदाआउट फाउंडेशन वाला मेकअप लुक है सो so, अच्छे से आप देख सकते हैं जितने भी एक्नी मार्क्स से डार्क सर्कल से अच्छे से अच्छे से हाइड हो गए हैं एंड जितने भी मतलब जो एक्नी मार्क्स होते हैं डार्क पेमेंटेशन होते हुए अच्छे से हाइड हो जाती है तो आप वाला कंसिला यूज़ कर सकते हैं अगर आपको फाउंडेशन यूज नहीं करना है अब यूज़ करूँगी मैं यहाँ पे मिलानी का कंसिलर क्योंकि मुझे ना कुछ अपना फेस हाइड हाईलाइट करना था जैसे आई पॉइंट हो गया अपना थोड़ा सा फोर हेड हो गया थोड़ा सा नोज़ पर हो गया एंड थोड़ा सा यहाँ पर मुझे ड लुक दिखाना था इसलिए मैंने लिप्स के पास और लिफ्टेड वाला लुक करा है मैं इसको लगा के अपने नोज के पास एंड के पास अच्छे से इसको ब्लेंड कर लूँगी आप देख सकते एक हाइड्रेट पॉइंट अफेक्ट आ जाएगा ना आप देख सकते हैं मेरी ये वाली आईज़ एंड ए वाली कितना डिफरेंस लग रहा है अलग ही ग्लो एंड अच्छा से एक ना मतलब थोड़ा कवरेज आ गया है मेरी फेस पे एंड थोड़ा ना अब मैं ये वाला एरिया ब्लेंड करूँगी अब देखना थोड़ा सा लिफ्टेड लुक लगेगा एंड आपका खुद आपका जो फेस होगा ना आपको जहाँ पे अपना फेस को उभारना है तो अच्छा लगेगा आपका फेस हाइडेड लगेगा सो आप लाइट कैसे यूज कर सकते हो लाइट जो आपकी फेस थोड़ा लाइट हो अब इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर मेरब्रीन का लूज पाउडर है ये लुक्स पाउडर बहुत अच्छा है मेरब्रीन का डेफिनेटली आप यूज़ कर सकते हैं इसको बहुत अच्छा अफोर्डेबल भी है एंड मेब्रिन के वैसे प्रोडक्ट्स बहुत अफोर्डेबल होते हैं आप यूज़ कर सकते हैं सो अच्छे से ना मैं इसे ब्रश की हेल्प से ही इसे ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा मैंने इसे लीव करके इन्हें इसे स्वाइप कर लिया था मैं अपने फेस पे पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन मैं थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई करूंगी आप चाहे तो आप कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हैं या लूज पाउडर बिकॉज मैं ज़्यादा लूज पाउडर प्रेफर करती हूँ इसमें लूज पाउडर यूज कर, करती हूँ नेक्स्ट इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी इन का दिस इज द मेकअप सेटिंग स्प्रे थोड़ा सा ये ड्राई स्किन वालों के लिए तो ये मुझे थोड़ा अच्छा लगता है सो आई लव दिस आप यूज कर सकते हैं देन इसे से डैप कर लूँगी देन मैं यूज़ करूँगी कफ्स एंड लैशेज़ का दिस इज़ द डैट सो वाई ये है एड पैलेट उसमें से ये ब्राउन शेड लेके मैं अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड करूँगी तो एक ना आउटर वी कॉर्नर से बनाना है क्रीज पे ही ब्लेंड करना है जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगी उतना अच्छा आपका मेकअप लुक आएगा एंड बेसिकली आपको जो ब्राउन कलर होता है वो हमेशा मतलब स्टार्टिंग ऑफ द मेकअप यूज़ करना रहता है अब मैं यूज़ मैं मूज करूँगी यहाँ पे एक पर्पल सा शेड थोड़ा डार्क पर्पल सा शेड लूँगी बिकॉज मेरा थोड़ा पर्पल सा शेड वाला मैच कर रहा था इसमें मैंने ये वाला शेड लेके अपने आउट ऑफ वी पे अप्लाई करा है मैं मैं क्रीज पर अप्लाई मतलब मैं अपने मिडिल ऑफ द पार्ट पर अप्लानिंग करूँगी मैं सिर्फ वी से लेकर थोड़ा सा अपने इनर कॉर्नर पर जाकर इसके ब्लेंड करूँगी मैं एंड देन मैं जो जो ब्राउन शेड अप्ला करता वही मैं उसको लोवर लैश में अप्लाई कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी जितना भी अच्छा समझ कर लूँगी दैन मैं यूज़ करूंगी एलानर दिस फ्रॉम मे बिल मे बीन इज अ परफेक्ट एलानर एंड बहुत अफोर्डेबल भी है सो अच्छे से मैं एक विंग एलाना क्रिएट कर कर लूँगी एंड तो पतला सलाना क्रिएट कर लूँगी आपको ज़्यादा मोटा प्लाना लाइनर प्लान की जरूरत नहीं बिकॉज पतला ज़्यादा अच्छा लगता है देन मैं एक यहाँ पे ना स्टेक का वाइट एलाना यूज़ कर रही हूँ वाइट एलाना बहुत अच्छा लगता है एंड आपकी आँखें जो होती हैं बहुत तो खुली लगती हैं अच्छी लगती हैं सो वाइट एलेनना इज़ द परफेक्ट एलाना मतलब काजल है ये एंड आपको ब्लैक यूज़ करूँगा ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो अब मैं यूज़ मैं मूज करूँगी यहाँ पर मेरबिन का मस्कारा दिस इज़ सो अफोर्डेबल या अफोर्डेबल नहीं हो सकती बट थाउजेंड के अंदर है आई थिंक सो सवन हंड्रेड का मस्स्कार आइए बट अच्छे से आपकी लैशेज को कर्ल करता है एंड आपको बिल्कुल फॉल्स लैशेज़ का आपको लुक देता है अब बारी आती है अपने आई को फिल करने के लिए सो मैं पे यूज करूँगी यू पैटर्न वाइल का वैक्स एंड दोनों पाउडर को लेके स्पूली से अच्छे से इसको फिल कर दूँगी एंड आप देख सकते हैं अच्छे से लुक आ जाएगा एंड एक सिंपल सा नीट लुक आ जाएगा बिकॉज मुझे ना ज़्यादा अपनी फिलिंग करनी थी ब्रोज नेक्स्ट मैं यूज करूँगी शुगर का पैलेट सो मैं इसमें से कॉन्टोर वाला शेड ले रही हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी तो मैं इसमें से ही सारा कॉन्टोर ब्लच यूज करूँगी अफोर्डेबल है एट में आपको तीनों चीज़ें मिल रही तो आई थिंक सो ये आपको ले लेना चाहिए अगर आपको मिनी वाला लेते हो तो मिनी वाले भी ले सकते हो तो मिनी वाले भी आते हैं सिंगल वाले देन मैं अपनी नोज को कर लूँगी हेल्प ऑफ द मैंने यहाँ पे पतला वाला ब्रश लिया है अच्छे से नोज़ कंट्रोल कर लिया है नोज़ कंट्रोल से आपकी जो नोज़ होती है पतली लगती है ना अच्छी लगती है देन मैं यही वाला ब्लश यूज़ करूँगी थोड़ा लाइट है ब्लश तो आप चाहें तो अगर आपको क्रीम वाला प्रोडक्ट यूज़ करना क्रीम वाला प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो बट मैंने आप ये वाला यूज़ करा है एंड शुगर का है सब इसी में हाईलाइट यूज़ करूँगी एंड थोड़ा सा अपने चीक चीक बोन्स पर अप्लाई कर लूँगी मतलब चीज़ चीक्स के पास दें थोड़ा सा अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी थोड़ा फोर हेड पे एंड थोड़ा सा लिप्स के नीचे अपने चिन ओरिया अच्छे से अप्लाई करूँगी थोड़ा हाईलाइट लगता है एंड आप ना थोड़े से आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई कर सकते हो तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा लगता है सो अच्छे से अपलाई करने के बाद अब मैं यूज करूँगी यहाँ पे दिस इज द एन वाबी का लिप लाइनर इन द शेड पिंक कलर का है मैं आपको ना लिंक दे दूँगी आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे जाके सो so, अच्छे से लाइन करने के बाद मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे दिस इज द पर्पल सॉरी दिस इज द लैकमे की लैकमे नाइनटी फाइव की लिप्स है इन द शेड फ्यूशिया इसका भी शेड था डार्क पिंशिक था एंड बहुत अच्छी शेड है एंड यह ना मैट शेड नहीं है सो दिस इज द कंप्लीट लुक आई रियली हो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर पसंद आया सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू यू नेक्स्ट वीडियो लव लवाइज बाई ग Pardon me, why don't you come over here? I need to ask you something quickly, my dear.